सिंग एडिटर निकुंज दालमिया भी जुड़े हैं उनसे बात करते हैं निकुंज मॉर्निंग टू यू निकुंज पहले तो आप ये बताइए कि आपको एक्शन मूवीज़ अच्छी लगती हैं या फिर नॉर्मल कॉमेडी थोड़ी सी स्लो मूवीज़ अच्छी लगती हैं वीर डिपेंड कर रहा है कि टिकट पॉपकॉर्न और पेप्सी वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है चलिए स्पॉन्सर मिल गया तो <laughs> 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 दोनों अच्छे हैं वीर दोनों ही अच्छी हैं पूछा क्योंकि आज ऐसा लग रहा है जो एक्शन मूवीज़ या फिर मार्केट में एक्शन के फैंस हैं हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो बट अदरवाइज कैसा लग रहा है मार्केट आपको एक्शन कल बहुत था, अमीर और एक्शन इस समय एक सस्पेंस मूवी के जैसे ज्यादा है बिकॉज मंडे uh, को लग रहा था या सोमवार को लग रहा था कि मार्केट के अंदर इस प्रकार का कम नहीं आएगा मगर कल आप स्क्रीन को देखें तो मैं स्क्रीन के कुछ स्टॉक्स भी पढ़ता हूँ हमारे दर्शकों के लिए टॉप ट्रेडेड काउंटर ये मैं ब्लूमबर्ग की स्क्रीन इस समय यूज़ कर रहा हूँ टॉप ट्रेडेड काउंटर कल वोडाफोन था दो रुपये ऊपर उसके बाद येस बैंक था चौदह रुपये का स्टॉक है सत्तर पैसा ऊपर था उसके बाद जयप्रकार एसोसिएट्स आर कॉम क्यों भैया आर कॉम कोई क्यों खरीदेगा पर कल ऊपर था वॉल्यूम भी अच्छे थे एच एफ सी एल सुजलॉन आई एफ सी आई एम टी एन एल तो मैं क्या एक लिंक मैं क्या शायद दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हालांकि हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहे हैं कल हमने देखा और परसों हमने देखा कि जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कमबैक हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त सा कम हुआ है तो बड़ा अब तो तो, तो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है मार्केट में हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन एक तरह का दिवाली के बाद पीछे हो गया था झटका लगा था मार्केट लैक हो गया था स्मॉल एंड मिड कैप हैव डन वेल फॉर तो अब प्रश्न ये बड़ा उठता है मिहर कि आर वी इन फॉर अ लास्ट अ लास्ट बिफोर द ईयर एंड्स एंड विल दिस गुड ईयर बिकम अ ग्रैंड ईयर देखिए बहुत अच्छा साल है मगर क्या ग्रैंड बनेगा और क्या आने वाले दो हफ्तों में भले वो निफ्टी हो भले वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो क्या वो एक ऐसे लेवल पर बंद होंगे जिसमें आपको बोलेगा भाई कमाल हो गया ये तेजी किसी ने सोची नहीं थी ठीक है मई में जून में जब मार्केट ऊपर गया तो सब ने बोला था जी इकॉनमी अच्छी चल रही है लॉकडाउन का असर नहीं होगा मार्केट ऊपर जाएंगे वो एक कंसेंसस व्यू था मगर इस समय मार्केट जो इस हफ्ते चले हैं वो कंसेंसस के अगेंस्ट में चले हैं बट कर्टसी बैंक निफ्टी जिसकी हम जिक्र कर रहे थे उसने इस समय कमाल कर दिया है राइट मॉर्निंग साथ ही आपने ये जो बात कही इसके साथ बात एस आई फिगर्स की भी जरूर करनी चाहिए क्या चाहे बाजार को ओवर स्ट्रेच ओवर वैल्यूड कह, कहा जा रहा हो लेकिन उसके बाद आप देखें एस की जो फिगर्स है वो वाकई नवंबर में जो रिकॉर्ड 11,000 करोड़ फिगर्स आई हैं वो वूपिंग फिगर्स और इंकरेजिंग फिगर्स है इसके क्या मायने हैं इसे कैसे देखते हैं आप देखिए एस एक प्रकार का एसेट एलोकेशन है और हमने इस कोरोना काल में क्या देखा है जब मार्केट नीचे ज़्यादा जाता है जब वॉलीटिलिटी आती है एस बढ़ती है हालांकि कुछ नए फंड्स और एन भी इस समय हैं जिसकी वजह से एस का कलेक्शन शायद बढ़ा है मगर एग्रीगेट पिक्चर इस समय एक बड़ी ही आ, बड़ी ही सैटिस्फैक्ट्री है दैट वॉलीटिलिटी इज़ नॉट स्केयरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इसके कई कारण हैं एक तो एसेट एलोकेशन चेंज हो रहा है दूसरा एक हम देख रहे हैं कि पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउ कैन वन रियली इन्वेस्ट इंटू इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक कन्वीनियंस बढ़ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन इन्वेस्टर इज नाउ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इयर्स नॉट आर्स एंड डेज तो एस आई पी का इन्वेस्टर आज और कल के लिए नहीं आता है प्रियंका वो बोलता है कि मैं तीन साल पाँच साल सात साल के लिए आ रहा हूँ मैं एक पोर्टफोलियो एक वेल्थ क्रिएट के पाथ पे चल रहा हूँ वो जो पाथ है काफ़ी मजबूती से चल रहा है और एक ये काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज़ हम जो बात कर रहे थे एफ सेलिंग की और हालांकि एफ आई आई नेट सेलर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर येट मार्केट्स हैव नॉट गॉन डाउन बिकॉज डी आई परचेस करें डी आई क्या परचेज हैं ये रिटेल का पैसा होता है उनके पास रिटेल का पैसा कहाँ से आता है एस आई पी से आ रहा है तो मार्केट में अब एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हर महीने दस हज़ार से बारह हजार करोड़ की किटी वो तय है और अगर फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर डेढ़ दो बिलियन डॉलर की सेलिंग करते हैं तो वह मार्केट अब्जॉर्ब कर सकता है निकुंज गुड मॉर्निंग आज आई में भी काफी एक्शन रहेगा आज स्टार की लिस्टिंग होने वाली है एक तो पहले इसके थोड़ा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अच्छे नहीं आए थे आज मार्केट में ये धारणा है कि शायद हो सकता है थोड़ा कमजोर लिस्ट हो ये उसके बाद क्या करना चाहिए ठीक है आईपीओ के अंदर जिन्होंने पर्चा भरा वो तो अलग है लेकिन आज ये अभी सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाएगा फिर क्या करना चाहिए हम मूवी रेटिंग की बात कर रहे थे ना मीर से और मूवी रेटिंग में हम हमेशा देखते हैं कि इस पिक्चर को कितने स्टार मिले हैं अनफॉर्चुनेटली स्टार आई को कुछ बड़े स्टार नहीं मिलने वाले हैं और इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है आपको भी पता है कि नरम होने वाली है तो एक शेयर बाजार आपको संकेत दे रहा है उस संकेत को समझना चाहिए कि भाई सेकेंडरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में अंतर है क्योंकि प्राइमरी मार्केट के अंदर वैल्युएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं सेकेंडरी मार्केट में उसकी वैल्यूएशन डिफरेंट होती है पेटीएम ने जी प्राइमरी प्राइमरी मार्केट में धमाल करा मगर जब उसके नॉन लिस्टेड मार्केट का जब चेंज लिस्टेड मार्केट में हुआ तो मार्केट ने उसको अलग मूल्यांकन से देखा स्टार हेल्थ में भी वही है कि हालांकि राकेश झुंझुवाला साहब इसके अंदर निवेश कर चुके हैं बड़े बड़े दिग्गज निवेशक इसके अंदर हैं मगर सेकेंडरी मार्केट बोलता है जी रुकिए, ठहरिए समझिए तो एक अच्छी बात है ये अब आज की लैक लिस्टिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बाद इस पे इसमें क्या करना चाहिए देखिए ये जो फ्रेंचाइज़ है काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइज़ है इस फ्रेंचाइज़ की जो आ, कि अगर आप बेसिक पैरामीटर्स देखें स्टार हेल्थ के भले वो कंबाइंड रेशियो हो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो हेल्थ केयर के हेल्थ रिटेल हेल्थ केयर के अंदर इनका मार्केट शेयर हो तो सब सब तरीके से अव्वल नंबर पर है तो आज नहीं तो कल कल, कल नहीं तो परसों ये स्टॉक सेटल ज़रूर होगा और उसके बाद अगर आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहते हैं जिसमें आप अगले कुछ क्वार्टर्स और सालों की बात कर सकते हैं तो जी साहब स्टार हेल्थ लेना चाहिए बिकॉज़ एक तो पेनिट्रेशन अच्छा है कंपनी बढ़िया है रेशोज अच्छे हैं और हमें इतना पता है कि जो नीड ऑफ हेल्थ केयर है कोविड के बाद काफ़ी ज़बरदस्त है सो इफ़ यू वॉन्ट टू ओन वन इंश्योरेंस स्टॉक इन द जनरल इंश्योरेंस स्पेस दिस कुड बी वन बट देन पेशेंस रखिए बुरा झटका जब बाज़ार में आए जब वेट करिए और देखते हैं सेटल कहाँ होता है किसी को नहीं पता था कि डे वन में पीटीएम पच्चीस फीसदी से ज्यादा गिरेगा तो देखिए स्टार हेल्थ सेटल कहाँ होता है फिर उस पर दोबारा चर्चा करेंगे मगर मेरे जो रियलाइजेशन वह यह है और एक, एक बड़े पोलाइट रियलाइजेशन है जी प्राइवेट मार्केट और अनलिस्टेड मार्केट एंड वैल्यूइंग कंपनीज देयर इज सेपरेट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट जस्ट बिकॉज कोई स्टार्टअप आके बोलता है जी मैं यूनिकॉर्न बन गया हूँ और मेरे पास इस बड़ी कंपनी का निवेश आया है उसका ये मतलब नहीं कि जब वो यूनिकॉर्न है जब वो कंपनी लिस्ट होगी आपको उस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा देखना होगा कि आज आ, कैसी होती है स्टार हेल्थ की लिस्टिंग बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस सारी एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया